26 जनवरी को सभी स्कूल में आयोजित होगी बाल सभा। आज अटल सेवा केंद्र में आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगामी 26 जनवरी को सभी स्कूल में बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इसी की तैयारियों को लेकर आज अटल सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शिक्षा सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले भर में बाल सभा को लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही है उसको लेकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी। आज की जो वीसी रखी गई थी वो 26 जनवरी को राज्य के समस्त स्कूलों के अंदर सामुदायिक बाल सभा आयोजित की जाएगी उसको लेकर के की गई थी। वीसी जो है हमारे शिक्षा संकुल की ओर से हमारी जो शिक्षा सचिव महोदय है मंजू राजपाल मैडम है और एसपीडी सर और समस्त शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा आयोजित की गई थी। इस आज की वीसी का मुख्य उद्देश्य 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के साथ में जो वृहद सामुदायिक बाल सभा आयोजित की जाएगी उसकी तैयारियों को लेकर के की गई थी कि जिला स्तर से क्या तैयारियां की जा रही हैं, ब्लॉक स्तर से क्या तैयारियां की जा रही हैं। तो इन बाल सभाओं के संबलन के लिए जिला स्तर से श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश से जिला स्तरीय अधिकारियों को भी लगाया गया है और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी महोदय के आदेशों से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को भी 26 जनवरी की बाल सभा में सम्मेलन प्रदान करने के लिए सम्मेलन अधिकारी के रूप में नियुक्तियां की गई हैं। वीसी मंजू राजपाल मैडम जो शिक्षा सचिव महोदया हैं उन्होंने ली हैं और नसीम खान मैडम जो कि समावेशी शिक्षा को और सामुदायिक गतिशीलता को जो देखती हैं उन मैडम की ओर से ली गई। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के भी इसमें इस बाल सभा के अंदर एजेंडा है। प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के है और बोर्ड परीक्षा की तैयारियां किस तरीके से कराई जा रही हैं। 3 प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करनी हैं बोर्ड परीक्षाओं से पहले, उनके बारे में समीक्षा की गई। छात्रों को उनकी कॉपियां दिखाई जा रही नहीं दिखाई जा रही है, छात्रों की प्रोग्रेस को उनके अभिभावकों के साथ शेयर की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं, इन बात को लेकर के की गई थी। मेरा नाम शाहबुद्दीन, मैं APC हूँ समग्र शिक्षा अभियान अजमेर में।